नेगेटिव। ये क्या होती है, किसी भी यौगिक में जिसमें, अब याद रखना, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, है ना, उनमें से एक तत्व इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म, यहां एक और भी शब्द आएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, और अगले दिन इसका नाम है लॉन पे, लॉन पे। अब मैं इसका आपको उदाहरण दूंगा, देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, हीलियम हाँ दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, हाइड्रोजन हीलियम के बाद में आगे लिथियम, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है, आकर्षित करने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इसके बाद बेरिलियम, ठीक है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, क्या रखते हैं, इसी प्रकार बोरॉन, देखो मैं आप बना रहा हूं आप ध्यान से रखना, बोरॉन ये दो पांच हो गए, एक दो तीन चार, इनके परमाणु क्रमांक के लिए हो गई एक दो चार पांच छ नंबर छ सात तो आठ, ठीक है, अब देखिए छ नंबर कौन सा होता है, कार्बन, ये चार इलेक्ट्रॉन तो हो गए इसके पास, अब इसके बाह्यतम कोश में चार ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिया देखेंगे ना, 1s2 2s2 और 2p2, ये चार ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं करते, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन किसे कर देंगे जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही आ रहा है, ठीक है, अब इसमें ये चार आ रहा है, कोशिश, लेकिन ये ज्यादातर इसी में यही है, ये ज्यादातर
हमने देखा है कि किसके बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होते। इसी प्रकार बोरोन क्या करता है कि कभी कभी हो सकता है ये पांच इलेक्ट्रॉन भी देख के कोई तत्व बना सकता है, कोई यौगिक बना सकता है, तत्व नहीं यौगिक, कार्बन। अब कार्बन में ये चार होते हैं, ध्यान रखें। तो ये देख रहे हम खुद देख रहे हैं आकर्षित करने की ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कैसे में आवर्त, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, अब इसमें हो जाता है चार हो गए। अब इसके बाद में सात नंबर नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन के अंदर देखो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये आकर्षित नहीं होते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एलपी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होते, केवल आकर्षित होंगे ये एक दो तीन, हो गया। इसके बाद आठवां नंबर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर छह, ये छह ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण कर लेता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन के अंदर सात इलेक्ट्रॉन, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, एक, एक ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका अष्टक पूर्ण हो जाए। ये फ्लोरीन है ना, ध्यान से सुनना होगा, फ्लोरीन आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी कितनी होती है, क्या, ठीक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, कितने आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो नियॉन 10 होता है और इसके बाद हमको 8 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक, अब इसका अष्टक पूर्ण है तो नियॉन को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब सोडियम, सोडियम के अंदर हम देख रहे हैं इसके बाइसम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। मैग्नीशियम के बाइसम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। एल्यूमिनियम के बाइसम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। सीधा सीधा आ गया विद्युत ऋणता, क्या कोई भी यौगिक है और उस यौगिक में सह संयोजन बंध है और सह संयोजन बंध है उसमें एक तत्व है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, क्लियर।